हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। इस वक्त मैं हूं लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे और हम जा रहे हैं वाइजैग यानी कि विशाखापट्टनम। और इस सीरीज़ में आपको बीचेस और नए नए लोकेशन देखने को मिलते रहेंगे। The next day. So, दोस्तों इस वक्त मैं खड़ा हूँ रामकृष्ण बीच पर और हम आए हैं यहाँ पे सुबह सुबह सनराइज का व्यू देखने। तो देखते हैं आज कैसा सनराइज यहाँ पे होने वाला है। इतना बढ़िया सीनिक व्यू है यहाँ पर भी और ये सिटी से ज़्यादा दूर भी नहीं है। आप देख सकते हो टाइड्स भी काफ़ी हाई हैं इस वक्त। बहुत ही बढ़िया वेदर हो रखा है। हालांकि ये बीच अभी उतना साफ सुथरा नहीं दिख रहा पर बहुत ही बढ़िया व्यू है। मैं आपको दिखाता हूँ एकदम जैसे लग रहा है मुंबई के किनारे जो बांद्रा वाला है वैसा ही कुछ है। और यहाँ पर आज हम इसलिए आए हैं दोस्तों ताकि सनराइज़ का जो ये व्यू होता है यहाँ पर बीच के सामने वो बहुत ही प्यारा और बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। उसी को कैप्चर करने के लिए हम आए हैं और साथ में आपको यह जगह भी दिखाने आए हुए हैं कितनी अच्छी जगह पे है। और यहाँ पे आने का सबसे बेस्ट समय जो माना गया है मतलब वो सुबह ही है। और सुबह आपको जो सनराइज़ का व्यू है और यहाँ पे लहरें का जो शोर है ये मतलब सुबह ही आपको मिल पाएगा। दोपहर में आप आओगे तो सैंड भी ये देखिए सैंड भी यहाँ पे गर्म मिलेगी आपको और मज़ा नहीं आएगा। मतलब आएगा पर उतना नहीं आएगा। सो सबसे बेस्ट टाइम जो है वो आप सुबह ही आओ और फुल एंजॉय करो और फिर जाके थोड़ी दूर पे यहाँ पे नाश्ता भी कर सकते हो। पर्सनली मैं सही बताऊं तो मैंने इतना सुंदर बीच तो पहले कभी नहीं देखा। हालांकि मैंने पहले बीचेस देखे हैं गोवा में भी देखा है पर मतलब ये वाला बीच जो है ना काफ़ी बड़ा लग रहा है मुझे। आप देख सकते हो वहां से है। बड़ा मज़ा आ रहा है यहां पे दोस्तों। आप बताना कमेंट बॉक्स में आपको कैसा लग रहा है, ये बीच अच्छा है कि नहीं है। शिप जा रही है दोस्तों देख लो आप और जूम करते हैं देख सकते हो आप बच्चे भी नहा रहे हैं दोस्तों। पर ये काफ़ी डेंजरस है, आप लोग ट्राई मत करना कभी क्योंकि काफ़ी हाई टाइड्स होती हैं यहाँ पे। तो गाइस अभी आप देख सकते हो मैं पहाड़ पे आ गया हूँ। पहाड़ क्या मतलब छोटे से टीले पे आ गया हूँ और यहाँ पे मतलब काफ़ी स्लिपरी लग रहा है पर फिर भी व्यू कैप्चर करना था तो आ गए। अब चलते हैं आगे की ओर, थोड़ा पेट पूजा की जाए, नाश्ता पानी किया जाए। अब हम आ चुके हैं अपना पेट पूजा करने जो कि भूख लग गई थी सुबह से निकले थे। अभी हम आ चुके हैं टिफ़िन बंदी पर। आप ऐसा देख सकते हो कि सामने टिफ़िन बंदी पर केवल 149 रुपये में आपके पास अनलिमिटेड ऑप्शन है यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो आइए चलते हैं अंदर की ओर और देखते हैं क्या क्या है इनके पास। एम्बियंस आपको देख सकते हो कितना बढ़िया लग रहा है यहाँ पे। तो आइए देखते हैं यहाँ पे मेन्यू में क्या क्या मिलता है। मेरे हिसाब से ये पहले इडली है, नॉर्मल इडली है और ये रवा इडली दिख रही है और ये कैरेट इडली बता रहे हैं भैया और ये तो पोहा दिख रहा है और ये है उपमा। इतना कुछ भाई यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। और आगे चल के देखते हैं कि यहाँ पे क्या लगा रखा है इन्होंने। यहाँ पे मुझे हाँ पूड़ी सब्जी लगा रखा है भाई स्टॉल पूरा तरीके से और ये भाजी है। यहाँ पे पूड़ी वगैरह और ये क्या है, ये है बड़ा बड़ा भैया बता रहे हैं और ये छोटा पुनगुड़ी। ओके ओके। और यहाँ पे मुझे लग रहा है डोसा है। डोसा एंड प्लेन डोसा एंड उपमा डोसा उपमा सरटो। काफी वैरायटीज यहाँ पे इन्होंने बता दी, आपने सुना ही होगा जैसे कि डोसा की इतनी सारी 7 टाइप्स की वैरायटी इन्होंने बताई है। अभी हम जाते हैं फिर इसको टेस्ट करके आपको बताते हैं कैसा है। एंड दीज आर द चटनी। क्या नाम है इसका? जिंजर चटनी। जिंजर चटनी, कोकोनट चटनी एंड स्पाइसी चटनी। स्पाइसी चटनी। पीनट बम्बई। दिस इज बम्बई चटनी। आई हैव सीन ऑन द नेट मिंट चटनी। ओके। अभी और भी कुछ है भैया, देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। इतने सारे आइटम्स अवेलेबल ओनली 149 में। एग ऑमलेट
एग ऑमलेट, ओके ओके, ये हमारे मृणाल भाई का फेवरेट है एग ऑमलेट। यहाँ पे आना तो खाना, टी कॉफी, ओके, थैंक यू। ओनली 149 में आपको इतनी सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। अब भैया आप हमको भी भोजन करा दो क्योंकि क्योंकि काफ़ी भूख लग गई है। अब चलते हैं, भैया ने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया है, अब खा के देखते हैं, ट्राई करते हैं, टेस्ट करके कि कैसा है। देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, खास कर कि ये वड़ा और ये इतनी सारी चटनी, मुझे तो नाम भी याद नहीं है, कोकोनट है और ये वाली बम्बैया है और वो जिंजर है और ये पता नहीं कौन सी, आई थिंक ये पीनट्स की होगी, और ये वड़ा है और ये इडलीस के वैरायटी, इतनी सारी इडलीस थी मुझे याद भी नहीं है। अब टेस्ट करके बताते हैं कैसा है। तो चलो भाई ट्राई करते हैं क्या क्या है यहाँ पे। इडली है, इडली को थोड़ा टेस्ट करके देखते हैं चटनी के साथ। इडली भी वैसे ही होती है, वैसे हमारी होती है वैसे ही है। अब मेरा फेवरेट उपमा, उपमा अच्छा। और ये क्या है, ये भी एक इडली है। ये चटनी तो मुझे अपने उपचार के हैसियत की याद दिला रहा है, आप लोग ने तो खाया ही होगा। सबसे बेस्ट वड़ा है, वड़ा आप यहाँ पे आओ तो वड़ा जरूर ट्राई करना, काफ़ी क्रिस्पी और अच्छा है। तो दोस्तों आप ट्राई करते हैं यहाँ का डोसा, जो सबसे फेमस मुझे यही लग रहा है डोसा इनका, और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। क्रिस्पी है, स्टफिंग है आलू की जैसे अपने यहाँ होता है, और मैं तो आपको सबसे अच्छा बोलूँगा कि यही है वड़ा, कोई भी चटनी के साथ आप खाओ सबसे बेस्ट, क्रिस्पी भी है। मैं सबसे अच्छा डोसा और वड़ा को रिकमेंड करूँगा। और अगर आप यहाँ आते हो तो इस जगह का नाम है टिफ़िन मंडी, और मैं लोकेशन डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख लेना। यहाँ पे सबसे ख़ास बात यह है कि ओनली 149 में आपको इतनी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, मुझे नहीं लगता कि कहीं और इतनी सारी चीज़ें आपको मिल पाएंगी इस रीज़नेबल प्राइस में। तो आइए और मज़ा लीजिए इस जगह का। तो आप ट्राई करने जा रहे हैं फिल्टर कॉफ़ी, आप देख सकते हो कितना बढ़िया जहाज इसमें बना दिया है। और यहाँ पे स्पेशलिटी है साउथ साइड, जितनी भी जगह पे आप जाओगे यहाँ पे फिल्टर कॉफ़ी ही मिलेगी। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और ऐसे वीडियोस के लिए फॉलो करें एस्मेटिक ब्लॉग्स को और सब्सक्राइब करें चैनल को। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय।